हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो जिसमें मैथ्स का सेक्शंस पूछा जाता है, उसके लिए ये मॉक टेस्ट जो हम पहला वीडियो ये दे रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जानते होंगे एसएससी सीजीएल 2022 में इसका जो एग्जाम हुआ है उसमें भी सिंपल क्वेश्चन ही पूछा गया है, ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन पर ही अच्छी पकड़ रखना है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। तो यहां पर सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस नंबर पहला। क्वेश्चंस नंबर पहला आपके स्क्रीन पर होगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, 16.3% की छूट देने के बाद भी दुकानदार 25% का लाभ अर्जित कर लेता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बेसिक कंसेप्ट आपको आता होगा, क्या होता है बेसिक कंसेप्ट इसका, तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस जनरली कॉस्ट प्राइस पे होता है। अगर क्वेश्चंस में बोला जाए कि परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस सेलिंग प्राइस पे है तो आपको सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना होगा, और अगर प्रश्न में कुछ ना कहा जाए तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस जो रहे उसको कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करके बनाना चाहिए। इतना बेसिक आपको आना चाहिए। और दूसरा बेसिक कंसेप्ट हम बता रहे हैं, परसेंटेज डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, यानी कि प्रतिशत छूट जो होता है हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस 600 रुपया है, 16.3% का डिस्काउंट है, 25% का लाभ है, तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या होगा। 16.3% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, भिन्न के रूप में इसका मान क्या होगा। पहले पूर्णांक आप ब्रेक कर सकते हैं, 16.3 2 50/3, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 से गुना होगा, 50/3 × 1/100, 50 × 100 कैंसिल होगा तो 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 हमने लिखा डायरेक्ट, और डिस्काउंट को हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। अब ये आपको आता होगा कि हमने अभी बताया कि परसेंटेज डिस्काउंट जो होता है हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, प्रतिशत छूट जो होती है अंकित मूल्य पर होती है, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा, हर में रहेगा, वो क्या होगा अंकित मूल्य, और जो अंश में रहेगा वो क्या है डिस्काउंट। डिस्काउंट कहने का अर्थ क्या हुआ, हिंदी में भी हमने लिखा है छूट। और सभी लोग जानते हैं कि 6 रुपया किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, 1 रुपया का डिस्काउंट है, तो 5 रुपया में उसे बेचा जा रहा है, या ये भी आपको आना चाहिए सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब देखिए यहां पर मार्क प्राइस 6 रुपया है, 1 रुपया का डिस्काउंट है, यानी कि 5 रुपया में उस वस्तु को बेच रहे हैं। चाहे तो आप रेशियो में भी लिख सकते हैं, इस तरह से अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो हुआ वो कितना हुआ, 6 रुपया किसी वस्तु का अंकित मूल्य है तो 5 रुपया में उस वस्तु को हम बेच रहे हैं, क्योंकि 1 रुपया का डिस्काउंट हो रहा है इसलिए। अब देखिए अंकित मूल्य आपके प्रश्न में 600 रुपया दिया है, तो 6 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 600 रुपया, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखिए 6 में 100 से गुना करने पर 600 हो जाता है, अब रेशियो के प्रॉपर्टी के अनुसार 5 में भी आपको 100 से गुना करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 500 हो गया। अब देखिए इसके आगे यहां पर क्वेश्चंस में दिया है 25% लाभ, ये तो 25% लाभ का मतलब क्या होता है, 25% लाभ को हम भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं। तो सभी लोग जानते हैं 25% मतलब 25/100 यानी कि 1/4, और लाभ को हम प्लस से डिनोट करते हैं। तो देखिए परसेंटेज प्रॉफिट जो होता है जनरली कॉस्ट प्राइस पे होती है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में रहेगा, हर में रहेगा, वो क्या होगा कॉस्ट प्राइस, तो 4 रुपया क्रय मूल्य हुआ, और प्लस से कहने का मतलब 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, मतलब 1 रुपया का लाभ हो रहा है। अगर माइनस 1 रहता, जैसे यहां पर अगर जो 25% की हानि रहती तो यहां पर -1/4 लिखते, तो -1 कहने का मतलब 1 रुपया की हानि होती, इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहां पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस बराबर सभी लोग जानते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है ना, ये तो बेसिक सभी लोग जानते होंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस 4 रुपया है और प्लस प्रॉफिट 1 रुपया का हो रहा है, मतलब 5 रुपया में उस वस्तु को हम बेच रहे हैं। तो ये जो हमने लिखा है 25% लाभ, इसके लिए हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यहाँ पर रेशियो लिखेंगे। तो 25% लाभ कहने का अर्थ हुआ कि 4 रुपया आपका क्रय मूल्य है, तो 5 रुपया आपका क्या है विक्रय मूल्य है। यहां देखिए विक्रय मूल्य हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो कितना था 500 रुपया, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना 500 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है क्या होगा, मतलब 4 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा गया है, तो 5 में 100 से गुना करने पर 500 हो जाता है, तो 4 में भी आपको 100 से गुना करना होगा, मतलब ये कितना हो गया 400 रुपया। तो 400 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये
आपका करेक्ट आंसर है। तो ये तो एक अप्रोच है, ये आपका क्या हुआ बेसिक अप्रोच, यानी कि रेशियो से हम चलने पर ये आपका बेसिक अप्रोच जो हुआ आपको आना चाहिए। दूसरा यहां पर एक्स्ट्रा हम आपको बता देते हैं, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का एक रिलेशन होता है जो आपको आना चाहिए। कॉस्ट प्राइस के रेशियो के नीचे में लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस के सामने यहां पर क्या लिखेंगे, ये 100 माइनस डिस्काउंट का, 100 माइनस जो भी डिस्काउंट रहेगा उसका परसेंटेज में, और ये अंकित मूल्य का रेशियो में क्या लिखेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट का जो भी परसेंटेज होगा उतना लिखेंगे। मतलब जैसे यहां पर 25% लाभ है तो 100 प्लस 25 यानी कि 125% हो जाएगा। अगर जो डिस्काउंट रहता मान लीजिए कि 15% तो 100 माइनस 15 यानी कि 85% यहां पर आपको लिखना होता है कॉस्ट प्राइस के नीचे। जैसे यहां पर 16 पूर्णांक 2/3% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 16 पूर्णांक 2/3 लिखेंगे और उसे आपको सोल्व करना है। तो इससे भी आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन इससे बेस्ट आपका यही अप्रोच है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। नीलेश एक परीक्षा में 188 अंक प्राप्त किया, लेकिन वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए नीलेश को कम 35% अंक प्राप्त करने होंगे। उस परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। उस परीक्षा का अधिकतम अंक यानी कि उस परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, यानी कि 100% का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न ने क्या बोला है, कोई विद्यार्थी नीलेश है जो 188 अंक लाता है और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 22 अंक से वह फेल हो जाता है। तो 22 अंक हम उसे दे देंगे तो वह पास हो जाएगा, यानी कि नीलेश को हमने पास कराया है। और पासिंग मार्क्स कितना है, तो प्रश्न दिया है कम से कम 35% अंक प्राप्त करने होंगे उसे उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि 35% है जो पासिंग मार्क्स है। तो ये आपका अंक में पासिंग मार्क हुआ और ये परसेंटेज में पासिंग मार्क्स है, तो ये दोनों सेम है, तो बराबर का चिन्ह हमने दिया, यानी कि हम बोल सकते हैं 35% का जो मान हो गया वो कितना हो गया, तो 188 प्लस 22 कितना होगा, 188 में पहले 2 हम जोड़ेंगे तो 190 होगा, 190 में फिर 20 हम जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा, यानी कि 35% का वैल्यू 210 अंक है। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे कितना होगा, 210/35, और 100% का वैल्यू आपसे पूछा है तो क्या हुआ, 210/35 गुना 100, 7 से कैंसिल करते हैं तो 7×5=35 और 7×3=21 और ये 5×6=30, 6×100 यानी कि 600, तो 600 जो भी आपका ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा। 23 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, 6 दिन बाद 8 व्यक्ति चले गए, तब यहां से इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहां पर M1D1 बराबर M2D2 का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। M कहने का अर्थ हुआ माइंड, D कहने का अर्थ हुआ डे, यानी कि M यानी कि आदमी की संख्या, D यानी कि दिन की संख्या। तो देखिए 23 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, 23 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 दिन बाद कहने का अर्थ हुआ कि शेष आपको 18 में से 6 घटाने पर 12 प्राप्त होगा, तो 12 यहां पर आपको लिखना है, यानी कि 18 माइनस 6 लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम 12 लिखेंगे, और ये किसके बराबर होगा, तो M2D2। डेट मीन्स क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8 व्यक्ति चले गए, पहले 23 व्यक्ति था, 8 व्यक्ति चला गया, मतलब 23-8 होगा इतना व्यक्ति, तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। अब इसे सोल्व करते हैं, 23 गुना ये 12 हो जाएगा और बराबर ये 15 हो जाएगा और गुना भाग कैंसिल करते हैं तो 5 × 15 = 12, 23×92 और ये 5 गुना में है इस तरफ आएगा तो बटा में हो जाएगा, और इसे सोल्व करेंगे तो कितना होगा, यानी कि ऊपर नीचे हम 2 से गुना कर देते हैं, ये ज्यादा इजी हो जाएगा, और यहां पर डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ये 2×2=4 और यहां पर पॉइंट हो जाएगा 9×2=18, 18.4 दिन। तो ये जो भी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा, क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी ज्ञात करें। तो देखिए सब लोग जानते होंगे कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई।
और क्वेश्चंस में बोला है कि लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, कितना परसेंट वृद्धि होगा या कितना परसेंट की कमी होगा, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि जब दो राशि गुणनफल के रूप में दिया रहे, जैसे यहां देखिए लंबाई गुना चौड़ाई है, दो राशि है, दोनों गुणनफल के रूप में है और एक में प्रतिशत वृद्धि या दूसरे में प्रतिशत कमी हो या दोनों में प्रतिशत वृद्धि या दोनों में प्रतिशत कमी हो, मतलब इस वेरायटी का हो, तो आपको क्या करना है, सक्सेसिव कंसेप्ट यूज करना है। दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, x प्लस वाई और प्लस x गुने वाई बटे 100, इतना परसेंट का अगर जो इसका वैल्यू प्लस में आएगा तो क्या होगा, परसेंटेज वृद्धि यानी कि प्रतिशत वृद्धि, और अगर जो इसका वैल्यू निगेटिव में आएगा तो क्या होगा, यानी कि प्रतिशत कमी। इस तरह से आपको यह ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 20 और माइनस 20 और प्लस माइनस माइनस होगा 20 गुने 20 बटे 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल हो जाएगा, ये डबल जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4 बटा 1 यानी कि माइनस 4। तो माइनस क्या दिखाता है, कमी को, यानी कि 4% की कमी। ये 4% की कमी जो भी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 5। दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 5:8 है, यदि ए और बी प्रत्येक में 5 का योग कर दिया जाए तब अनुपात 2:3 हो जाता है, ए और बी में अंतर क्या है। दो संख्या है ए और बी जिसका रेशियो दिया है 5:8, मतलब ए और बी दो संख्या है जिसका रेशियो में वैल्यू है 5:8। आगे प्रश्न में बोला है प्रत्येक में 5 का योग कर दिया जाए, मतलब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तब अनुपात 2:3 हो जाता है। तो देखिए यह कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि जब प्रत्येक संख्या में समान वृद्धि हो या जब प्रत्येक संख्या में समान कमी हो तो क्या करते हैं, डिफरेंस को समान करते हैं, अंतर को बराबर किया जाता है। तो यहां पर देखिए 5 और 8 का अंतर कितना का है, 3 का है, यहां पर हम लिख देते हैं अंतर को बराबर करेंगे, 5 और 8 का अंतर 3 का है, 2 और 3 का अंतर 1 का है, तो यहां 3 का अंतर हो रहा है, यहां 1 का अंतर हो रहा है, तो 1 में हम 3 से गुना करेंगे तो ये आपका 3 हो गया, और रेशियो की प्रॉपर्टी के अनुसार आपको इसमें भी 3 से गुना करना होगा तो ये 6:9 हो गया। अब देखिए अंतर को हमने तो बराबर कर दिया ना, ये आपका सेम हो गया है, तो अब देखते हैं यहाँ पर 5 से 6 हो रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है, 8 से 9 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, और प्रश्न में क्या बोला है प्रत्येक में 5 का योग कर दिया जाए, मतलब प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, यहाँ पर प्रत्येक में 1 जोड़ा जा रहा है, दैट मीन्स हम बोलेंगे कि 1 का वैल्यू क्या दिया है 5। तो सबसे पहले 5 का वैल्यू निकाल देंगे तो कितना होगा, 5 से गुना करना होगा, 5 का वैल्यू निकालेंगे तो 5 गुना 5 यानी कि 25 होगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 का वैल्यू निकालेंगे तो 8 गुना 5 यानी कि ये कितना हो गया, तो पहली संख्या अगर जो पूछता तो 25 हो जाता, दूसरी संख्या पूछता तो क्या हो जाता, 8×5=40 हो जाता। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और बी में अंतर क्या है, तो ये दोनों का अंतर कितना का है, 25 और 40 का जो आपका अंतर है वो कितना का है, तो 15 का अंतर हो रहा है, मतलब ये आपका आंसर होगा 15 का। दूसरा तरीका देखिए क्या है, दूसरा तरीका डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि रेशियो में ये दोनों का अंतर कितना का हो रहा है, रेशियो में आप देख सकते हैं 5 और 8 का अंतर कितना का है, 3 का है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 5 हुआ तो 3 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है, यानी कि 3 गुना 5 तो 15, यानी कि 15 आपका आंसर होगा। ये भी एक अप्रोच है, और अगर जो क्वेश्चंस में इस तरह से पूछता कि पहली संख्या क्या है तो 25, दूसरी संख्या क्या है तो 40, और यहां पर से भी हम निकाल सकते हैं कि दोनों का अंतर 25 और 40 का अंतर 15 का हो रहा है, क्लियरली आपको ये दिख रहा होगा, तो ये भी एक तरीका है और शॉर्टकट में ये एक बेस्ट अप्रोच है। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। रोहन 75,000 रुपये से कपड़ा व्यवसाय शुरू करता है, 4 महीने बाद सूरज 60,000 रुपये के साथ उसके साथ शामिल हो गया, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले पार्टनरशिप साझेदारी का एक कंसेप्ट होता है, लाभ क्या होता है, पूंजी और समय का गुणनफल होता है। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। पूंजी को आप निवेश भी बोल सकते हैं, निवेश की गई धनराशि, ये आपको आना चाहिए, और समय को आप वक्त भी बोल सकते हैं, टाइम भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, ये सभी को आता होगा।
तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं, डायरेक्ट बनाएंगे। प्रश्न में दो व्यक्ति है, रोहन है और कौन है, सूरज है। तो यहाँ पर हमने लिखा इस तरह से, रोहन और सूरज। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसका लाभ का हम वैल्यू लिखेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है रोहन 75,000 रुपये से कपड़ा का व्यवसाय शुरू करता है, यानी कि 75,000 रुपया का वह पूंजी निवेश कर रहा है। कितना समय के लिए, तो एक वर्ष लेकर आपको चलना है, यानी कि 12 महीना के लिए। तो पूंजी लगा रहा है 75,000 रुपया एक वर्ष के लिए, यानी कि 12 महीना के लिए। और सूरज है जो 60,000 रुपया का पूंजी लगाता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 4 महीना के बाद यह शामिल होता है। तो यह 8 महीना तक व्यापार में शामिल रहा, यानी कि 4 महीना बाद आता है, तो 12 महीना में से 4 महीना घटा देंगे तो 8 महीना तक सूरज शामिल रहा। तो यहाँ पर 60,000 गुना 8 होगा। अब कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, 000 सबसे पहले कैंसिल कर दिया, और 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60 और भी कैंसिल कर सकते हैं, 4 × 4 = 12। अब नहीं कैंसिल होगा तो 5 × 3 = 15, और ये अनुपात कितना हो गया, 1 × 8 = 8। जो भी ऑप्शन होगा आपका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। एक तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार का है, यदि तार को एक वृत्त बनाने के लिए ढाला जाता है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। दैट मीन्स हम यहाँ पर फिगर भी आपको बना करके समझा देते हैं। देखिए ये कोई आपका क्या है, वर्ग है, और वर्ग क्या होता है, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। क्वेश्चन में दे दिया है कि वर्ग की भुजा कितना है, 33 सेंटीमीटर, यानी कि ये चारों भुजा जो है आपका 33-33 सेंटीमीटर का होगा, और ये वर्ग से क्या बनाया जाता है, एक सर्किल बनाया जाता है, एक वृत्त बनाया जाता है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी जो क्वेश्चन में पूछा है। तो सभी लोग जानते हैं परिमाप को यहाँ पर समान करेंगे, यानी कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा, यानी कि 4 × 33, और ये क्या होगा, मतलब वृत्त का जो परिधि होगा, वृत्त का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr, यानी कि 2 × 22/7 × r। अब देखिए कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 2 × 2 = 4, और इसके बाद ये 2 से 11 × 22 और 11 × 3 = 33, तो 3 × 7 = 21, यानी कि r का मान हो गया 21, तो 21 सेंटीमीटर जो भी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। एक नाव धारा के अनुकूल 240 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में तय करती है, और नाव धारा के प्रतिकूल समान दूरी को 6 घंटे में तय करती है, धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। हम मानते हैं कि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल है जो y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बेसिक है, इतना सभी को आना चाहिए। तो धारा के साथ नाव का चाल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और धारा के विपरीत या धारा के प्रतिकूल जो नाव का चाल होता है वो x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो क्वेश्चन में दिया है एक नाव धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल नाव का चाल क्या होगा, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि 240 किलोमीटर की दूरी तय किया जा रहा है कितने समय में, तो 3 घंटे में। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 80 × 240, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि धारा के प्रतिकूल दिशा में, तो x माइनस वाई होगा उसका चाल, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि 240 किलोमीटर की दूरी तय करना है। क्वेश्चन में दिया है समान दूरी, मतलब पहले जो दूरी था 240 किलोमीटर वही दूरी कितने समय में तय किया जाता है, तो 6 घंटे में तय किया जाता है। तो 6 × 24, मतलब 40 × 6 करने पर 240 हो जाएगा, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए x प्लस वाई का मान 80 है, x माइनस वाई का मान 40 है, तो आपसे क्या पूछा है, धारा की गति, मतलब ये वाई का वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो देखिए वाई निकालना है तो क्या करना होगा, दोनों को घटा करके 2 से भाग देना होगा, यानी कि 80 − 40/2, तो ये 40/2 यानी कि 20 हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो गया। अगर जो x का मान पूछता तो क्या होता, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है, यानी कि 80 + 40/2, तो 120/2 यानी कि 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता क्या, ये नाव की चाल। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 60
में से 20 घटावेंगे तो आपका 40 होगा, यहाँ 60 माइनस 20 तो 40 हो रहा है और 60 प्लस 20 तो 80 हो रहा है। दूसरा तरीका ये भी है कि इसे इक्वेशन 1 मानिए, इसे इक्वेशन 2 मानिए, दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स बराबर ये 80 प्लस 40 120 हो जाएगा। मतलब इस तरह से कर सकते हैं, देखिए x प्लस वाई बराबर 80 और x माइनस वाई बराबर 40 है, तो आप लोग जानते होंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस सिक्स टू एक्स और ये 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा 120, तो x बराबर 120 बटे 2 यानी कि 60 हो गया। उसी प्रकार से अगर जो हमें y का मान निकालना है तो y का मान निकालने के लिए चाहे तो आप घटा सकते थे, या दूसरा तरीका यह भी है कि x का मान किसी एक में रख दीजिए, जैसे x प्लस y का मान कितना है 80, यहाँ पर x का मान हम रख देंगे 60, तो y का मान हमें मालूम हो जाएगा कितना, y का मान मालूम हो जाएगा 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन बेसिक अप्रोच है। इससे बेस्ट आपका ये तरीका ध्यान रखना है कि जब भी x प्लस y का वैल्यू दिया रहे और x माइनस y का भी वैल्यू दिया रहे तो x यानी कि बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है, और y यानी कि छोटी संख्या निकालना है तो दोनों को घटा करके 2 से भाग देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। यदि कोई व्यक्ति अपनी समान चाल की 7/8 गुनी चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय समान समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा लिया जाने वाला समान समय मिनट में ज्ञात कीजिए। तो इसका शॉर्ट अप्रोच आपको आना चाहिए, शॉर्टकट अप्रोच क्या होता है, तो देखिए क्या लिखा है, वह अपने कार्यालय समान समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। और यहाँ पर देखिए जो प्रश्न दिया था 7/8 गुनी चाल से चल रहा है, तो यहाँ पर कितना देर से चल रहा है, 7 से 8 मतलब एक देरी हो रहा है, तो एक मिनट का देर हो रहा है, तो यहाँ पर एक लिखेंगे। और सभी लोग जानते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में, समान समय यानी कि 7 से चलेगा तो क्या होगा, तो 7 से आपको गुना करना है, तो 20 से 4 से मतलब 140 मिनट हो जाएगा। इस तरह से आपको डायरेक्ट बनाना है, जो भी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर यही होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, 2226 और 2529 को एक निश्चित 3 अंकों की संख्या से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल r प्राप्त होता है, r का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 2226 और 2529 का क्या करना है, आपको HCF निकाल लेना है। तो सबसे पहले डिफरेंस मेथड का हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस कितना का हो रहा है, 303 का डिफरेंस हो रहा है, 303 को हम ब्रेक करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 101 × 3, यानी कि HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 101। अब देखिए 101 से हम इसमें भाग देते हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है, जो आपको पता चल जाएगा तुरंत, और जो शेषफल आएगा उतना ही आपको यहां पर भी आना चाहिए। जैसे यहां लिख रहे हैं 101 से भाग देंगे कितना में, 2529 में, तो भी आपका शेषफल समान ही आना चाहिए। तो भाग लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, 101 × 202, अब घटाएंगे तो ये कितना होगा, 20 हो जाएगा, फिर ये 6 लिखेंगे, फिर 101 × 202 यहाँ घटाते हैं तो यहाँ पर शेषफल 4 आ रहा है, तो यहाँ भी शेषफल 4 ही आना चाहिए, 101 × 202 और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये 9, अब कितना बार लगेगा, 10 × 40, 10 × 50, 5 बार तो लग ही जाएगा, तो यहाँ पर ये 505 हो जाएगा और घटाएंगे तो 4 होगा। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों जगह शेषफल आपका समान है, मतलब वो शेषफल जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना होना चाहिए, 4, जो भी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 11। यदि 600 रुपया पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और 600 रुपया पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज एक साथ मिलकर 180 रुपया हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो देखिए ब्याज की दर आप आर परसेंट मान सकते हैं, तो 600 रुपया पर 4 वर्षों के लिए आर परसेंट की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज का सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर बटे 100 गुना समय, ये सभी लोग जानते होंगे। तो 600 रुपया है मूलधन और दर आपको पता नहीं है और समय कितना दिया है 4 वर्षों के लिए, और फिर यहाँ पर आगे क्वेश्चन में लिखा है फिर से, यानी कि मूलधन कितना है 600 रुपया और दर आपको पता नहीं है, तो आर हमने माना है दर और 2 वर्षों के लिए, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यानी कि ये दोनों जो ब्याज है इसका योगफल किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में दिया है 180 रुपया के बराबर है। अब इसे सिर्फ सोल्व करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये 00 कैंसिल करेंगे,
छह चौके 24r और प्लस ये छह दूनी 12r बराबर 180 हो गया। 24 12 36 यानी कि 36r बराबर 180, तो 36 × 5 = 80 से यानी कि r का मान 5 हो गया। तो हम बोल सकते हैं 5% क्या था, दर था। दर कितना हो गया 5%। जो भी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। 58 पारियों में एक बल्लेबाज के रनों का एक निश्चित औसत है। 59वीं पारी में उसने 117 रन बनाकर अपना औसत 1.5 रनों से बढ़ा लिया है। 59वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 59वीं पारी में उसने 117 रन बनाकर अपना औसत 1.5 रनों से बढ़ा लिया है। 59वीं पारी में 117 रन वह बनाता है तब उसके औसत जो भी होता है उसमें 1.5 रनों का औसत में वृद्धि होता है। तो 58 पारी में 1.5 रन की यानी कि 58 पारी में शुरू से लेकर 58 पारी तक 1.5 रनों की वृद्धि होगी। 1.5 कहने का अर्थ हुआ डेढ़, तो 58 का डेढ़ कितना होगा, यानी कि ये 117 में से आपको घटाना होगा 58 का डेढ़ 1.5। अब इसको हम यहाँ रफ कर देते हैं। देखिए 58 का मतलब गुना डेढ़ को आप 3/2 भी लिख सकते हैं। 29 × 58 29 × 3 = 87, तो 117 में से 87 घटा देंगे तो 30 होगा। मतलब 30 आपका कौन सा जो भी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर होगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति के वेतन 7200 रुपया से 8100 रुपया तक बढ़ जाता है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखिए पहले वेतन था 7200, बढ़कर कितना हो गया है 8100, तो 00 पहले कैंसिल करेंगे और इसको कैंसिल करते हैं हम 9 से, तो 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 81, यानी कि पहले वेतन 8 था और फिर 9 हो गया, मतलब 1 रुपया वेतन में बढ़ रहा है कितना पर, 8 पर, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो सबसे गुना करना होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं वेतन में इतना परसेंट की क्या होगी, प्रतिशत वृद्धि होगी। 1/8 का मतलब 12.5% होता है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। या चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 × 8 = 25, 25 × 100 = 100, तो 25/2 मतलब 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। दी गई आकृति में यहाँ देख सकते हैं कोण BAC 70 डिग्री है। BAC ये वाला कोण कितना है, 70 डिग्री, यहाँ पर सी है, और कोण EBC 140 डिग्री है। EBC ये वाला कोण 140 डिग्री है, तो कोण ACD पूछा है। ACD ये बाह कोण क्या होगा जो आपसे क्वेश्चंस में पूछा है, तो बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले ये जानते होंगे कि कोई भी ये रैखिक युग्म होता है, तो यहाँ पर ये अगर जो x डिग्री है और ये अगर जो y डिग्री है तो ओवरऑल ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा, यहाँ पर 180 होगा, यानी कि एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये कंसेप्ट आपको आता होगा। तो ये देखिए पूरा यहाँ पर इस तरह से हम अगर जो करेंगे तो 180 होना चाहिए, ये 140 है, तो यहाँ पर हम 40 दे देते हैं तो ओवरऑल ये कितना हो गया, ये आपका 180 हो गया ना, तो यहाँ पर ये वाला कोण हमने कैलकुलेट कर दिया कितना हो गया 40। और ये भी कंसेप्ट आपको आता होगा क्या, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से आपको समझना होगा कि ये जो आपका बाह कोण है, मान लेते हैं बाह कोण यहाँ पर हमने मान लिया कि जेड है, और ये आंतरिक कोण एक्स यहाँ पर है और ये बाई है, तो आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है, सुदूर आंतरिक कोणों का योगफल बाह कोण के बराबर होता है, यानी कि ये एक्स प्लस बाई बराबर क्या होता है, जेड होता है। तो यहाँ पर देखिए 40 और 70 का योगफल कितना होगा, ये वाला होगा कोण, यानी कि 70 + 40 तो कितना, ये वाला आपका हो जाएगा 110 डिग्री, तो 110 डिग्री जो भी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा तरीका ये भी है, देखिए ये 40 हो गया, ये 70 हो गया, तो ये वाला कोण हम निकाल सकते हैं, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए, तो 70 और 40 110 हो गया, तो ये वाला कितना 70 होगा। अब फिर यहाँ पर रैखिक युग्म बनाएंगे, मतलब 180 हम करेंगे तो ये वाला तो 70 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला आपका 110 होगा। तो इस तरह से 110 भी आप आंसर दे सकते हैं, जैसे चाहे आप बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। डेसिमल का आपको एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले डेसिमल को आपको फ्रैक्शन में कर लेना है, और फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है, नोमिनेटर का एलसीएम बटे डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए बनाते हैं, पहले इसको हम डेसिमल से फ्री करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 126/1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 36/100, और ये क्या हो जाएगा 96/100। कैंसिल होता है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए हम कैंसिल कर देते हैं, ये 24 × 96 = 25 × 100, और ये 9 × 36 = 25 × 100, और यहाँ पर 63 × 126 और ये 500 × 1000,
अब देखिए यहां पर ये आपका इसका एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो भिन्न का एलसीएम क्या होता है, जो भी अंश में है उसका एलसीएम निकालना होगा, यानी कि 63, 9 और 24 का एलसीएम निकालना होगा, और जो डिनोमिनेटर में है हर में है उसका एचसीएफ निकालना होता है, यानी कि 500, 25 और 25 का एचसीएफ निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले 63, 9 और 24 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, देखिए सबसे पहले 63 में तो 9 ऑलरेडी है ही, 63 में 9 है तो सबसे पहले यहां पर 9 हमने लिखा, और यहां 63 में 7 भी है, और यहां पर देखिए तो 7 आपको इसमें देना होगा, यानी कि 63 सबसे पहले आपको यहां पर कैलकुलेट कर लेना है, 63 यहां से आपको सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि 63 को हम 9 गुना 7 लिख सकते हैं, तो 9 तो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, तो 63 हमने लिख दिया, 9 का काम हो गया। और 24 में 8 गुना 3 24 होता है, तो यहां पर से 3 तो पहले यानी कि 9 में 3 था ही, तो 63 में भी 3 ऑलरेडी है, क्योंकि 3 गुना 21 करने पर 63 होता है, तो 24 में यानी कि 3 गुना 8 करने पर 24 होता है, तो 3 तो ऑलरेडी 63 में हो गया, तो 8 आपको लेना है इसमें से, तो 8 यहां पर लेंगे, और ये देखिए 500, 25 और 25 का एचसीएफ सिंपल है, 25 ही होगा। अब यहां पर देखिए ये कैंसिल तो नहीं होगा, तो क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 24 के 4 बाकी 2, 48 और 2 कितना होगा, 48 और 2 50 होगा, तो 504/25 हो जाएगा। इसे चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, भाग दे भी सकते हैं, या ऊपर नीचे हम 4 से गुना कर देते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 4 चौके 16 और 5 चौके 20 और नीचे में 25 चौके 100 हो जाएगा, अंतिम से 2 अंक बाद डेसिमल, मतलब यहां पर डेसिमल होगा, ये इस प्रश्न का आंसर होगा। ये बेस्ट अप्रोच है, जैसे चाहे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस और भी चाहे तो हम बता सकते हैं, यहां पर 2 आपका सिंप्लीफिकेशंस का भी क्वेश्चंस है, तो वो भी करा ही देते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चंस भी। अब देखिए क्वेश्चंस नंबर 16, ये भी क्वेश्चंस आपका है जो इजी क्वेश्चंस है। कैसे, तो यहां पर सबसे पहले रेखीय कोष्टक बार ब्रैकेट का सोल्यूशन करना होता है, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा ना। अब 6 माइनस 2 तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब स्मॉल ब्रैकेट में 4 हो गया। एक तरीका तो ये है आपका स्मॉल ब्रैकेट का सोल्यूशन करने का, दूसरा तरीका ये भी है। देखिए यहां पर हम रफ करते हैं, 6 माइनस और यहां पर 6 माइनस 4 था और यहां पर रेखीय कोष्टक था, तो इसे इस तरह से करेंगे, देखिए 6 और ये माइनस 6 और माइनस गुना माइनस तो प्लस होगा, क्योंकि रेखीय कोष्टक ये हम हटा रहे हैं तो, और ये 4 है तो 4, और इसके बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 6 तो सिर्फ 4 बचा। तो इस तरह से कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं, पहले यहां पर हल हमने कर दिया, 6 माइनस 4 तो 2 हो गया, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 होगा, जैसे चाहे आप कर सकते हैं। अब देखिए इसके आगे, अब ये 4 माइनस 4 तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 मतलब 0 हो जाएगा, तो मंझोली कोष्टक में 0 हो गया, यानी कि अब 3 माइनस 0 तो ये बड़े कोष्टक में आपका 3 हो गया, और फिर यहां पर माइनस था यानी कि 40 माइनस 3 तो 37 हो जाएगा, जो भी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चंस नंबर 17, ये भी इजी क्वेश्चंस है। सबसे पहले पूर्णांक को हम ब्रेक करते हैं, तो ये चढ़ती है 12, 13/3 हो जाएगा, और भागा यहां पर ये 3 दुनी 6 और 2 8/3 हो जाएगा, और माइनस 1/3 और गुना ये 4 दुनी 8 एक 9/2 हो गया, और माइनस 3 के 9 एक 10/3 हो गया। अब देखिए इसके आगे, पहले यहां पर हम सोल्व कर देते हैं, तो 9 की 27 और माइनस 10 दुनी 20, 27 माइनस 20 यानी कि 7, तो 7/ नीचे 2 गुना 3 यानी कि 6, इसका सोल्यूशन करने पर कितना हो गया, 7/6, और इसके पहले गुना है और ये 1/3 है। अब यहां सोल्व करेंगे तो 7/3 6 18 हो गया, ये 7/18 हो गया, और इसके पहले माइनस है और ये 8/3 है, तो यहां 18 यहां भी 18 बना देते हैं, मतलब 3 में हम 6 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 8 में भी 6 से गुना करना होगा, तो 8 6 48 माइनस 7 यानी कि ये कितना हो गया, 41 हो गया, तो 41/18 हो गया। अब ये आपका 13/3 है और भागा कितना हो गया, ये 41/18, तो 13 ये 3 और भागा को गुना में करेंगे तो 18/41 होगा, तो 3 6 18, 13 6 78/41, तो 41 से कम 41 और 78 में से 41 घटाएंगे तो 37 होगा, तो एक पूर्णांक 37/41 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो डीआई को छोड़ करके लगभग सभी क्वेश्चन हमने करा दिया है, ये आपका मॉक टेस्ट पहला था सभी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट आपका मॉक टेस्ट दूसरा कराएंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।